शिव ठाकरे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। वेल, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शुरुआत होने को है और कहा यह जा रहा है कि ये शो जो है 17 जुलाई से ऑन एयर कर दिया जाएगा। मई के एंड में अर्जेंटीना में इसकी शूटिंग होगी, जहां सभी सेलिब्रिटी पहुंचेंगे अर्जेंटीना, करेंगे खतरों का सामना। इसी के साथ पहले कंटेस्टेंट का नाम भी कंफर्म कर दिया गया है, शिव ठाकरे। शिव ठाकरे खुद भी जाहिर कर चुके हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा है। वेल, अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट शिव ठाकरे हैं? तो आपको बता दें कि जो खबर आ रही है सामने कि शिव ठाकरे को पहले से ही मेकर्स खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में लाना चाहते थे और यहाँ पर उनकी फीस भी काफी ज्यादा तगड़ी है और सबसे ज्यादा शिव ठाकरे को ही पे किया जा रहा है सीजन 13 के लिए, क्योंकि यहाँ पर शिव ठाकरे की फैन फॉलोइंग देखी गई और फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है। इसके चलते शिव ठाकरे सबसे महंगे कंटेस्टेंट बन चुके हैं। हालांकि इन्हें कितना पे किया जा रहा है इस बात का अंदाजा अभी नहीं लग पाया है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा और ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ये खबर कि आखिर शिव ठाकरे सबसे महंगे कंटेस्टेंट तो हैं लेकिन कितना पे किया जा रहा है। खैर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए ही शिव ठाकरे हैं जो लॉकअप सीजन 2 को रिजेक्ट करते हुए नजर आए, तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए शिव ठाकरे काफी एक्साइटेड हैं, खतरों का सामना करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं शिव ठाकरे को देखने के लिए? फिलहाल अगर बात करें शिव ठाकरे के अलावा यहाँ पर पर्ल वी पुरी का नाम भी जुड़ा, इसी के साथ है सौंदर्य शर्मा, अर्चना गौतम और अंजलि मुनव्वर, कई सारे सेलिब्रिटी के नाम जुड़े हैं। देखना ये होगा कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में कौन कौन से सदस्य नजर आते हैं और क्या शिव के बाद दूसरे कौन महंगे कंटेस्टेंट होते हैं। फिलहाल क्या कहना है इस पर आपको, आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।